हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 61 का ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 61 का ये पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट करका है। क्वेश्चन नंबर 61 का ये पार्ट हमें कह रहा है, अज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन 60 ए बी सी, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 60 का जो ए बी सी पार्ट था उसमें आपको अज्यूम करना है कि कैपिटल इस बार फिक्स्ड है। प्रीवियसली जब हमने 60 क्वेश्चन का ए बी सी पार्ट किया था तो उसमें कैपिटल हमने फ्लक्चुएटिंग मानी थी, पर यहाँ पे आपको मेंशन है कि फिक्स्ड कैपिटल माननी है अब के बार आपको, और एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर कैपिटल को हम फिक्स मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 का ए पार्ट आज हम करेंगे, इसके बाद बी और सी भी हम करेंगे, पर आज की वीडियो में हम 60 क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे जिसमें हम कैपिटल को फिक्स मानेंगे। अब जब भी हम कैपिटल को फिक्स मानेंगे तो क्या चेंजेस होंगे इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर, देयर कैपिटल बीइंग ₹30,000, ₹25,000, ₹20,000 रेस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ₹24,000 has already been credited to the partner in the proportion in which they share profit. They are drawing were ₹5,000, मोहन की ड्राइंग बता रखी है, 4,000 विजय की ड्राइंग बता रखी है, और 3,000 ड्राइंग अनिल की बता रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे आगे बता रखा है कि ये नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट ही नहीं किया गया था पार्टनर्स का, तो अब हमें क्या करना है, हमें यही कैलकुलेट करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बट क्या चीज डिफरेंस बनाती है, डिफरेंट बनाती है इस क्वेश्चन को, कि अब क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग में मेंशन था ना कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो अब जब कैपिटल फिक्स्ड होगी ना तो आपको जो एक गिवन है 30,000, 25,000, 20,000, ये जब हमने प्रीवियस में जब इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के किया था ना तो हमने कैपिटल को क्या माना था, कैपिटल को ये इसको हमने क्लोजिंग कैपिटल माना था। बट क्योंकि अब कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल होगी। मतलब कहने का ये है जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दी गई अमाउंट जो आपको कैपिटल गिवन है यहाँ पे आप इसको ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हमने प्रीवियसली 60 क्वेश्चन का ये पार्ट किया था तो हमने इसको क्लोजिंग कैपिटल माना था और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। बट जो कि अब क्वेश्चन में मेंशन है कि 60 क्वेश्चन का ए बी सी पार्ट में हमें कैपिटल को फिक्स्ड लेके चलना है, तो अब जो 30,000, 25,000 और 20,000 है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल ही होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर मोहन, तीनों पार्टनर के नाम होंगे मोहन, विजय, अनिल और टोटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया 10% के रेट से और ये आपकी ओपनिंग कैपिटल ही है, तो 30,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 होगा, 25,000 का 10% 2,500 होगा, और 20,000 का 10% 2,000 होगा, टोटल ही हो जाएगा 7,500। अब इसमें से लेस क्या कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि फर्म के लिए एक तरीके से इनकम होती है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस में से इनकम माइनस करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट एक्सपेंस आ जाएगा जो कि पे करना है फर्म को। तो माइनस करने पे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 250 मोहन की है, विजय की 200 है, अनिल की 150 है, टोटल है 600 रुपीज। अब आपको लेस करना है तो लेस करके आपके पास जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस को आप डेबिट मानेंगे। डेबिट क्यों मानेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं। तो माइनस करने पे मोहन के कॉलम में 2750 आएगा, विजय के कॉलम में 2300 आएगा और अनिल के कॉलम में 1850 आएगा, टोटल ये अमाउंट हो जाएगा आपका 6900। अब ये 6900 रुपीस का फर्म के लिए एक तरीके से लॉस है जिसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, इसलिए 69 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मोहन के कॉलम में भी 2300 आएगा, विजय के कॉलम में भी 2300 आएगा और अनिल के कॉलम में भी 2300 आएगा, तो टोटल 6900 हो जाएगा। अब नेट इफेक्ट पता करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले केस में मोहन के केस में डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से 450 से डेबिट साइड ज्यादा है, विजय के कॉलम में दोनों सेम है, अनिल के कॉलम में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है 450 रुपीज से। अब आपको क्या करनी है, आपको जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल करंट अकाउंट, तो ये हमारी जनरल एंट्री होगी, 450 डेबिट साइड आएगा, 450 क्रेडिट साइड आएगी, रिलेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी थी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।